Hey guys, welcome to my YouTube channel. So, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि MRF बैट का जो इंग्लिश विलो बैट है उसका रिव्यू वीडियो बनाओ, जो विराट कोहली बैट खेलता है उस बैट से, MRF बैट से उसका रिव्यू वीडियो बनाओ, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे. तो अभी हूँ मैं श्रीराम स्पोर्ट्स पे और ये रहा मेरे हाथ में MRF का इंग्लिश विलो बैट. ये MRF का बैट है, यहाँ पे आप देख लोगे, यहाँ पे आपको मॉडल नेम भी आ जाएगा, इंग्लिश विलो प्लेयर्स स्पेशल, विराट कोहली की साइन भी यहाँ पे आपको दिख जाएगी और यहाँ पे आपको दिख जाएगा प्रोडक्ट ऑफ MRF बाई स्पोर्ट्स डिवीजन ऑफ इंडिया. तो ये जो आपको प्लेयर्स स्पेशल ये मॉडल नेम है आपको MRF का, तो ये बैट है आपको थोड़ा सा कॉस्टली है. इस बैट के बारे में रोहित भाई बताएंगे कि इतना कॉस्टली क्यों है. आप लोगों को बैलेंस और बॉटम भी इसका अच्छा मिलेगा आप लोगों को. जी जी जी. इसमें जो ग्रेंस है वो भी थोड़ा बड़ा ग्रेंस है. अच्छा, और भी मैंने बहुत सारे बैट का रिव्यू वीडियो बनाया, उसमें क्या जैसे इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही ग्रेंस है. बहुत सारे बैट में मैंने देखा है बहुत बहुत ज्यादा ग्रेंस होते हैं, किसी में 8 रहते हैं, किसी में 10 रहते हैं, ऐसे ऐसा मतलब क्या डिफरेंस रहता है? हर एक कंपनी का अलग 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 रहता है. और जितना अपन कम ग्रेंस का रहेंगे, जितना हेवी लेंगे उतना वेट अपने को अच्छा. अच्छा, जितने कम ग्रेंस रहते हैं आई थिंक उतने अच्छे बैट रहते हैं, भैया बता रहे हैं. तो यहाँ पे आप इसका मिडिल देख लो या बॉटम देख लो, बहुत ही आई थिंक जो मिडिल रहता है, ये मिडिल है अभी है ना, तो ये मिडिल जितना मोटा रहता है उतना स्टॉक्स भी अपने को मिल जाता है, उतना स्टॉक्स भी अच्छा मिल जाता है आपको, अच्छा बैट रहता है ये. तो ये MRF का बैट आप देख लो, यहाँ पे नेम जो है प्लेयर्स स्पेशल है, यहाँ पे नीचे आपको विराट कोहली का साइन मिल जाएगा, उनका नाम मिल जाएगा. इसी कंपनी के बैट से खेलते हैं वो, ये बल्ले से आई थिंक नहीं खेल रहे, वो इससे बहुत हाई हैवी बैट रहता है, हैवी रेंज का बैट रहता है वो बैट का उस बैट से आई थिंक खेलते होंगे. और आप लोग ऐसा ही थोड़ा प्यार बनाते रहोगे तो एक दिन उस बैट का भी रिव्यू वीडियो हम बना देंगे जिस बैट से विराट कोहली खेलते हैं. तो ये MRF का बैट है, आपको यहाँ पे आपको ग्रेंस भी यहाँ पे इसमें बहुत कम ही ग्रेंस है. इसकी जो MRP है 9000 MRP है, यहाँ पे आप MRP यहाँ पे देखोगे तो 9000 इसकी MRP है. और इस पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इस स्टोर पे आते हो तो, श्रीराम के स्टोर पे, तो इस पे आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा, 30%. बाकी अदर पे आप चेक करोगे तो बहुत कम ही मिलता है. तो ये इस पे आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि ये कितने का पड़ जाएगा भैया? ये 6300 का, 6300 का ये बैट पड़ जाएगा. बैट जो है ज्यादा कोई हैवी बैट नहीं है, फुल साइज का बैट है ये. और इसका जो वेट होगा आई थिंक ये 900 kg के आसपास का ये बैट होगा. मोटा है इसका बॉटम जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, मोटा है पर ज़्यादा वेट नहीं है उस बैट का. इंग्लिश विलो में बैट में यही खासियत रहती है कि अगर आप इंग्लिश विलो बैट लेते हो तो उसका जो वेट है वो ज़्यादा नहीं रहता, ज़्यादा नहीं रहता और लाइट वेट रहता है, शॉट भी अच्छे लगते हैं इससे. तो ये बेनिफिट रहते हैं इंग्लिश विलो बैट में. तो अगर आप ये बैट एक बार चेक करना चाहते हो या परचेस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको श्रीराम स्टोर पे आना पड़ेगा, जो आपको एड्रेस है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली आ सकते हैं. सो अगर आपको कहीं पर ट्रांसपोर्ट भी करवाना, कहीं पर मंगवाना है तो आप कॉन्टैक्ट करिए मेरे पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा. सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो लाइक वाला बटन दवाई देना, और जिस टाइप का आपको वीडियो चाहिए नीचे कमेंट कर देना, और अपने फ्रेंडों में शेयर कर देना जो क्रिकेट खेलते हैं, उनको बेनिफिट होगा, बहुत होगा. सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दबा दो और धन्यवाद.